हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। तो गाइस आज यही जगह है जहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होने वाला है रोइंग अरुणाचल प्रदेश पे। तो इसी के बारे में ये ब्लॉग है, होप यू गाइस लाइक इट, जस्ट एंजॉय। तो गाइस जो मैं यहीं से जा रहा था गुजरते हुए तो मुझे ये दिखा गांधी पार्क, वो जो यहाँ पे गांधी जी को भी अच्छे से सजाया गया है और फ्लैग होस्टिंग किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह गांधी पार्क रोइंग अरुणाचल प्रदेश का। तो गाइस तो अब हो रहा है बारिश इसलिए मैं छत्ती ले लिया है, अब जा रहे हैं अपन फील्ड की वजह से। क्या देख सकते हैं छत्ती बारिश आ रहा है तो अपन चल रहे हैं गाइस वही फील्ड की ओर जहाँ पे मैंने आपको बारिश से पहले सुबह का नज़ारा दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पे मनाया जाने वाला है गाइस। सो लेट्स गेट इनटू दिस। तो गाइस ये वो नज़ारा था, ये है फील्ड एक ही रोइंग का जनरल ग्राउंड। ओके गाइस लगता है कि सारे वीआईपीस आ गए हैं और इन्वाइटिस जो है या नहीं आए वो पता नहीं, देखते हैं पास में जाके जितने पास जा सकेंगे उतनी कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे अपना व्यू यहाँ। तो गाइस इवन इन लॉकडाउन जैसे कि आपको पता है कि ग्रीन जोन है सो थोड़ा थोड़ा भीड़ तो रहेगा ही ऑब्वियसली, काफी भीड़ है गाइस एज यू कैन सी। भीड़ बार तो थोड़ा रहेगा गाइस, तो मैं थोड़ा यहाँ तक आ गया जैसे कि आप देख सकते हैं सीट्स काफ़ी खाली दिख रहे हैं। गाइस जैसे मैं रिपब्लिक डे में देखा था 26 जनवरी, ये जो वाइट बम्बूस लगाए ना यहाँ तक मार्च पास होता था और ये जो नंबर थे वो जो उस साइड के हैं वहाँ पे लगते थे एग्जीबिशंस। इस बार पेंडेमिक वजह से थोड़ा कम किया गया है गाइस। तो गाइस हम आ गए हैं इस पेड़ के छाँव में, ये देखिए पेड़ इसके छाँव पे और छत्ती को थोड़ा रख दिया है साइड में। गाइस देखिए नाना बोलते बोलते भीड़ तक काफ़ी हो गई है और शायद अभी जो टाइम नहीं हुआ है, टाइम होगा तो काफ़ी और भीड़ होगा, बहुत सारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं गाइस। तो गाइस यही जगह है, इसका पीछे जो आगे है वही सब होगा, सब कुछ नहीं पीछे से कुछ नहीं दिखने वाला है और यही है जहाँ से वीआईपी सेंटर करेंगे गाइस वेलकम गेट। सिर्फ इन्वाइटीज और वीआईपी को इन्वाइटेड है जो अंदर जा सकते हैं, अगर हम जाके तो बैठ सकते हैं, कोई मना तो नहीं करेगा, पर अगर कोई वीआईपी जो आएंगे तो खड़ा रह के या फिर बाहर आ जाना उठ के वो सही नहीं रहेगा। तो गाइस देखिए ये है फील्ड पूरा, जैसा मेरा 26 जनवरी का रिपब्लिक डे का ब्लॉग में देख सकते थे कि कितना बड़ा हुआ था यहाँ पर फील्ड में प्रोग्राम्स, इस बार पेंडेमिक की वजह से कुछ इस तरह से ही मनाया जा रहा है गाइस। छोटा सा कि सब छत्तियां हैं लेके बैठे क्योंकि बारिश हो, रास्ता में ज़्यादा भीड़ ना हो इसलिए और एक जगह पार्किंग के लिए वहाँ पे कर दिया गाड़ियों का, ठीक है जो वीआईपी से वहाँ पे गाड़ी ले जाके पार्क करेंगे। ये गाइस पुलिस वाले आ गए हैं, पुलिस का एक बटालियन का ही मार्च पास होगा सुनने में आया है, देखिए वो लोग जा रहे हैं खड़ा हो रहे हैं। ओके सो यहाँ से थोड़ा अच्छा व्यू दिख रहा है आप लोग को, देखिए यही पुलिस सब मास्क पहने हुए गाइस और बारिश हो रहा है, बारिश में खड़े रहेंगे, ओ माय गॉड। तो देख सकते हैं आप लोग पुलिस वाले बहुत कष्ट कर रहे हैं गाइस। ज़्यादा कुछ प्रोग्राम तो नहीं है पर यही बच्चे हैं नानी मारी स्कूल के यहाँ के जो यहाँ पर कुछ पेट्रोटिक गाना गाएंगे और जो फ्लैग होस्टिंग करेंगे चीफ गेस्ट तब ये नेशनल एंथम गाएंगे। ये मैंने अभी नोटिस किया गाइस कि ये बच्चे ट्राई कलर के ड्रेस पहन के आए हैं, ठीक है सैफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन, सो ये इस तरह से आए हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए अभी उस सीरियल में सीरियल ये खड़े हुए हैं सैफ्रॉन आगे वाइट और ग्रीन पे। ओके सो गाइस सब लोग भीड़ तो देख ही सकते हैं, हो ही गया ऑलमोस्ट 150-200 आदमी। तो ओके सो बच्चों को लेके जा रहे हैं जहाँ से उनको गवाया जाएगा नेशनल एंथम, ठीक है शायद फील्ड के अंदर ही लेके जाएंगे, जैसे फील्ड के अंदर से उनको गवाया जाएगा वो। ओके गाइस ये रोस्ट्रम जो है उसके राइट साइड से मैंने आपको दिखा दिया, लेफ्ट साइड से व्यू है पुलिस को, ये जो मार्च पास का बटालियन है वो भी इस तरह से थोड़ा दिख रहा है यहाँ से, पर यहाँ से नेशनल एंथम जो गा रहे हैं चीफ गेस्ट सबको फ्लैग होस्टिंग करते हुए इतना नहीं दिखेगा तो मैं उधर ही जाऊँगा शायद। अगले आप देख सकते हैं झाड़ू वाड़ू लगाया जा रहा है क्योंकि चीफ गेस्ट आने का टाइम होने वाला है, बारिश तो काफ़ी दे रहा है लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा।
एसपी ऑफ रोइंग्स आ गए हैं सर, तो उनको ले जाया जा रहा है। इसके बाद और भी कोई आएंगे तो उनको भी ले जाएगा शायद, पर इस तरह से ही गाइस चीफ गेस्ट आ गए हैं। मैं बैड लक के इस तरफ में राइट साइड आ गया था, जैसे आए हैं तो चीफ गेस्ट ऑनरेबल से उनको ले जाया जा रहा है। और गाइस उनके द्वारा फ्लैग होस्टिंग होगा, उसके बाद नेशनल एंथम होगा, तब मैं आपको पोस्ट करके दिखा सकता हूँ मेरे को भी। सो गाइस चीफ गेस्ट द्वारा भाषण दिया जा रहा है, तो देखिए पुलिस वाले कैसे खड़े हैं बेचारे लोग, बारिश में कितने देर तक भाषण चलेगा पता नहीं। भाषण भी कुछ नहीं ज़्यादा गाइस इसों के बारे में बताया गया है, मुझे तो बस पुलिस लोग के बारे में दुख लग रहा है। काम करते रहो फिर अभी बारिश में भीगते रहो यार, क्या बताऊँ। और गाइस उनका भाषण ख़त्म हो गया चीफ गेस्ट का, अब मार्च पास होगा, उन्होंने चीफ गेस्ट ने अलाउ कर दिया है, अब होगा मार्च पास और एक ही बटालियन है, एक ही बैच हो फिर उनका तो देखने मिलेगा मार्च पास। चलो so after seeking the permission to exit the ground, the deputy Fauji jawans going out of the ground. इसके बाद अभी समय है गिविंग अवे अवार्ड्स। तो गाइस जैसा बताया जा रहा है अब अवार्ड गिविंग सेरेमनी होगा, तो के लिए हम ये देखते हैं सीआरपीएफ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द डिफेंस फोर्सेस यार, देखिए जैसे कि पैंडमिक के वजह से सबको मास्क पहन के रखना पड़ा, मुझे पास में खड़ा रहना पड़ा। अवार्ड सेरेमनी में उनको अवार्ड दिया जा रहा है जो कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं इस पैंडमिक, तो अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा लगा सुनकर। ओके तो गाइस अवार्ड सेरेमनी खत्म हो गया है, अब पेट्रोटिक गाने हैं दो टू, उसके बाद चलते हैं देखते हैं और क्या होता है। ओके गाइस ओके पेट्रोटिक सॉन्ग था और अच्छा गाया, इसलिए मुझे स्किप करने का मजा नहीं लगा, तो मैंने स्किप नहीं किया, वो गाना पूरा मैंने डाल दिया गाइस। और बताया गया गाइस ये लास्ट प्रोग्राम है, तो देखते हैं कैसे। टेक्निकल फॉल्ट्स के वजह से आवाज अच्छी नहीं आया गाइस, देखिए लास्ट एक सीन कैसे मनाया गया इस कोविड-19 के समय में भी रोइंग में इंडिपेंडेंस डे। तो यार आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया हो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हाई फाइव एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस।